अच्छा मैंने ना मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब आप रोजा रखा हुआ और रोजा इफ्तार तो स्पाइसी टाइप की चीज दिल कर स्पाइसी चीजों का पर मैं खैर मैं पानी इतना नहीं पीती मैं हाँ एक बार जो पानी मैं भी नहीं पीती और ना मशरूबात इस सब चीजें हाँ। जो ना थोड़ा सा वो करती हूँ मैं हाँ, थोड़ा सा पानी पीकर रोजा खोल के खजूर से नमाज पढ़ के फिर मैं बैठ के थोड़ा सा खाने नमाज के बाद में क्योंकि नमाज ही ना पढ़ी जाए इतना पानी पी लिया इतना एकदम शेर पानी पी लिया और जो है ना खा लिया ये नमाज से भी आप चले गए तबियत खराब हो जाएगी ना इसलिए खाने खाली पेट खाली पेट थोड़ा सा खा लें ना खाएं कि आप इबादत कर सके ना तरावी पढ़नी होती है तो उसके लिए भी थोड़ा इंसान को अपना रमजान में तो पूरा मतलब दिन पता ही नहीं रात तक पता ही नहीं चलता नहीं चलता माशाल्लाह से फिर रमजान की आमद आमद होने बस अल्लाह ताला रमजान की बरकतें नसीब करे और बहुत आज जो है ना मुझे याद आ गया मैं तमाश की दाल जो ना दही बड़े लेकिन लेकिन ये कुछ लेकिन मैंने एक दो जगह ये माश की दाल के दही बड़े खाए और बड़े सख्त है वो उन्होंने मुझे नहीं समझ में आया ये सख्त होते हैं ना कि एक तो भिगोते नहीं है ठीक है और या अगर भिगोते हैं तो वो बाजार की पिलाकर बना लेते हैं लेकिन उसको फेंटना पड़ता है बहुत ज्यादा अच्छा जब आप सोडा डाल के उसे फेंटेंगे अच्छा सोडा आप डालें लास्ट में जब आप फेंट लें तो फेंट लें अच्छी तरह फिर आप सोडा तलने से कुछ देर पहले डालें डाल के उसे फिर फेंट के रख लें थोड़ी देर 5 मिनट 6 मिनट हद से हद 10 मिनट रख लें और उसे जो है ना उठा हटा के आप उस पर अच्छा मैं वाला भी बनाती हूँ गोल सा नहीं वो बनता है तेली में रखकर फिर उसको अंदर से उसको जो है ना होल करते हैं फिर उसे फ्राई करते हैं जो बड़ा वाला होता है दिल्ली का खास जो है ये दही बड़े अच्छा बड़ा वाला जो दही बड़ा जो होता है बड़ा हाँ हाँ बड़े बड़े होते हैं वो तो रख के उसमें मैं उसे पिस्ता भी डाल देती हूँ ऊपर गार्निशिंग के लिए इतना मजा आता है इतना टेस्टी अच्छा आपको दही बड़ी मीठी पसंद है या नमकीन मीठी मीठे हाँ तो मुझे भी मीठी पसंद है अच्छा दही बड़े मैंने आज तक अच्छे कहीं नहीं खाए वो जहाँ की मैं बता रही हूँ ना कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये लोग अच्छा बनाएंगे लेकिन वो अंदर से बच्चे थे और सब लोगों ने ना छोड़ दिए थे वो अच्छा मेरे तो रहते ही नहीं है खत्म फिनिश बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए सॉफ्ट होने चाहिए ऐसे सॉफ्ट जैसे जैसे स्पंज की तरह ना खाने उसकी चटनी बनाया हरी चटनी ग्रीन चटनी खट्टी मीठी चटनी बना के इमली की जो होती है बहुत मजेदार लगती है बहुत मजेदार ग्रीन चटनी तो क्या बात है क्या बात है मजा आ गया रमजान याद है रमजान याद आ गया खोलने के बाद रोजा हम ये नोश कर रहे होते हैं ऐसी चीजें ये नमाज पढ़ने के बाद ना फिर हमने पूरा साल तो मैं पकौड़े नहीं खाती बस सिर्फ रमजान उसके बाद उसके बाद नहीं अच्छा मैं ना रमजान में कोई भी ऐसा दिन रोजे का रमजान का नहीं जाता जिसमें दही बड़े ना हो मेरे पास जी अच्छा वैसे घर वालों को तो बड़ा मजा आता होगा हर बार मजा आता है आज ये है आज वो बताती नहीं कि क्या बन गया अचानक ना बच्चे इतने खुश हुआ अच्छा तो उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि क्या बन रहा है अरे सर कोई ऑफिस में है कोई कहाँ है बताते हैं इफ्तार के वक्त कितने एक्साइटेड होंगे मेरा भाई क्या बन रहा है उनका बस खा लेना देख लेना डाइनिंग टेबल पे लगा देते हैं क्या दिखाते हैं पहले चले ना एक्साइटेड है भाई क्या बन रहा है बता दो पहले अच्छा ये है अच्छा ऐसे ये इतनी मोहब्बत माई करती है माई करती है सही बात है रोजा रख के इफ्तारी भी बनाती है भी बनाती है बनावट भी करती है फिर जो है ना ईद की तैयारी भी करती है ये माई कर सकती है माई कर सकती है मतलब माँ के कितनी अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रही होती है बहुत जिम्मेदारी बहुत ज्यादा और जब भी तो बोलते हैं ना कि जब भी बोलते हैं इसका कोई नियम बदल नहीं है कोई नहीं होता भी वो भी नहीं है आप कितना भी कर ले लेकिन माँ की कमी महसूस होती है हर एज में चाहे हर एज में
ये लोग क्यों बोलते हैं कि आप इतने बड़े हैं और वो चली गई है तो आपको शायद नहीं इतना गम होगा, ऐसा किस तरह हो सकता है? नहीं भाई, होता है, माँ मेरी वालिद साहब की मुझे अभी तक कमी महसूस होती है कभी कभी, कभी कभी तो दिल ऐसा होता है कि क्यों गए, क्यों आ जाए। हाँ, और आ जाए और वो अब देखे हमें इस तरह। हाँ, लेकिन अल्लाह की बस कुदरत है, अल्लाह का निजाम है कि आप बस चले जाते हैं, चले जाते हैं, सबने जाना है, हमने भी जाना है, हमारे जो आगे आए पीछे आए उन लोगों ने भी, सबने ही चली जाना, दुनिया तो फानी है, सबने जाना। ठीक है, तो आज हम और क्या आप बता रही हैं? आज आज ये माश की दाल की दही बड़े है, कलर सैंडविच, कलर सैंडविच जी, सारी मेरी घर पे बनी मजे मजे की सब चीजें बतानी है आज। आज मजे मजे की चीजें बतानी, तो चॉकलेट पुडिंग है, माश की दाल की सबसे पहले मैं बना दही बड़े का बेचारा, तो मैंने कहा ये रेसिपी पहले बताती हूँ मैं। ठीक है, माश अच्छा है ना, माश की दाल 1.5 कप, दही 1 पाव, नमक हसबे जायका, माश की दाल जो है ना 1/2 कप है, सही है, थोड़ी गलती हो गई थी मुझसे, मैं दोबारा अच्छा। बता रही हूँ, माश की दाल जो है 1/2 कप, दही 1 पाव, नमक हसबे जायका, चाट मसाला हसबे जायका, यानी कि आधे चाय का चम्मच चाट मसाला ले लें, खाने का सोडा आधे चाय का चम्मच, जीरा आधे चाय का चम्मच, चीनी तेल खाने का चम्मच, पिसी हुई खटाई 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधे चाय का चम्मच, तेल फ्राई के लिए। ये तरकीब, माश की दाल को भिगो दें रात भर पानी में, ओवरनाइट के लिए भिगो दिए, आपने उसका पानी निकाला तो खुशक खुशक बिल्कुल सूखा सूखा उसे चॉपर में डाल के पीस लें या ब्लेंडर में डालें तो हल्का हल्का उसको घुमाते रहें, वो पीस जाता है, सफाई डालने की जरूरत नहीं। फिर प्याले में पीसी माश की दाल जो है, नमक खाने का सोडा और जीरा कुटी मिर्च डाल के आप इसे अच्छी तरह से फेंटे, इतना फेंटे इतना फेंटे कि ये जो है ना डबल हो जाए, फ्लफी जैसे बन जाएगी। फिर जो है ना एक जो है चमचे की मदद से या हाथों से, ये जो है दही बड़े एक तो हाथों की मदद से ही बनाते हैं, और एक जो है जब ये वाला जो है इसको जो है आपने तेल में फ्राई कर लेना है, फ्राई करके आपने क्या करना है इसे बना ले और तेल में बड़ों की शक्ल में जो है ना इसे डालकर, बड़ा वाला डाल देंगे छोटा वाला डाल देंगे आपके ऊपर, ठीक है, डाले दही में चीनी डालकर अच्छी तरह दही को भी फेंटे, दही को इतना फेंटे इतना फेंटे कि ये भी थोड़ा सा फ्लफी सा बन जाए, ठीक है, और दही में जो है ना बड़े तेल से निकाल कर उसको पानी में डालें, पानी में डालने के बाद जब ये थोड़ा सा सोख हो जाए फिर आपने क्या करना है इसका पानी हाथों से दबा दबा के ना इसका पानी निकालें, निकाल कर उसे दही में शामिल करें, और जो है पैन में तेल गरम करके आप इसमें जो है नमक और जीरा और चाट मसाला किसी खटाई और डालकर इसको भून भून के बड़ों में इसमें डालें पीस कर हल्की तरह अच्छी तरह कूट लें, कूट के इसके ऊपर आप बिखर जैसे डाल दें, चटनी डालें इसमें बनाएं आप, ग्रीन चटनी हरा धनिया पुदीना हरी मिर्चे डाल के आपने चटनी भी इसलिए एक साइड पे रखें, एक साइड पे इमली की चटनी बना लें मीठी चटनी, चीनी डाल के आप इसे पकाएं, इसमें सौंफ भी डालें और इसी मीठी चटनी बनाएं, इसमें थोड़ा सा कलर डालें ताकि इसके रेड रेड कलर हो ना, इतनी चटनी तैयार कर ली और इसके ऊपर से आप ना इसको प्रेजेंट करें बहुत अच्छा लगेगा, दही के ऊपर जो है ना बारीक कटे हुए थोड़े से जो है ना धनिया के जो कटलिया है वो सजा दे, या नहीं सजाना चाहते तो कोई बात नहीं है, इस तरह से आप कर लें और इसको जो है ना डिश आउट करें सर्व करें, बहुत मजेदार बहुत टेस्टी बहुत उमदा बन के तैयार होता है। अच्छी चीज बनी हुई हो तो खाने को दिल करता है, मजे लेके खाने को दिल करता है, वही चीज चाहे आपने लागत भी लगाई और अच्छी नहीं हो। हाँ, अच्छी ना बने, हाथ का जायका भी होता है, जहन का भी कमाल होता है, और सबसे बड़ी बात है कि खाना पकाने में नफासत और नजाकत, अगर ये दोनों चीजें होगी तो आप नफासत एक अच्छी, मेरे पास एक मरतबा मैंने एक चीज बनवाई थी किसी से, क्या थी मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें से क्या निकला सोनिया, मैं इतनी हैरान हुई हूँ ना, नाखून इतना बड़ा कटा हुआ, मैंने तो उसी वक्त रखा साइड पर, तो दिल ही नहीं किया फिर खाने को। सही बात है, नफासत बहुत जरूरी है,
और नजाकत भी हो कि आपको देखने में कैसा